यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। चौबटका तहसील क्षेत्र में दिन दहाड़े दलित छात्रा से दुष्कर्म करने की कोशिश और असफल होने पर छात्रा के सर पर पत्थरों से जानलेवा हमला करने का आरोपी घटना के 5 दिन बाद भी स्थानीय राजस्व और पुलिस प्रशासन की पकड़ से बाहर है। घटना चौबटका तहसील के पास के ही एक गांव के बस स्टॉप पर 21 अक्टूबर को घटी, जब छात्रा कॉलेज में ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करके अपने गांव लौट रही थी। तभी गांव के समीप बने बस स्टैंड पर एक अज्ञात युवक ने छात्रा से दुराचार का प्रयास किया, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस प्रशासन के हाथ खाली है। ऊपर से चौबटका तहसील प्रशासन छात्रा पर ही इस दुखद घटना के लिए दोषारोपण कर छात्रा और परिजनों के घाव पर नमक छिड़कने का कार्य कर रहा है। आम आदमी पार्टी के दिग्मोहन नेगी ने कहा कि सोमवार तक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न कर पाने पर छात्रा को इंसाफ दिलाने को धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। घर से कॉलेज जा रही थी अपने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, वो मैं उस लड़की को जानती नहीं थी, अचानक से उसने मुझे झाड़ी में फिर उसके बाद वो आया नीचे, मेरा सामान फोन वगैरह ऊपर ही छोड़ गया था, फिर वो आया नीचे, उसने मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने अपने बचाव के लिए पत्थर उठाया, जैसे मैं उसके सर पे मारने वाली थी उसने मेरे सर पे मार दिया, उसने मेरा हाथ एक पकड़ रखा था और एक ही हाथ से मैं उसके साथ अपना बचाव कर रही। क्या आप उसे पहले से जानते थे? जी नहीं। नहीं। आप पहचान सकते हैं उसे? अगर अगर वो व्यक्ति मिलता है या आपको दिखता है तो आप पहचान जाएंगे उसे? जी। छोटी बहन के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, पौड़ी में ये घटना दूसरी घटना मानी जा रही है, एक बार लड़की को जिंदा जला गया था और दूसरी इस घटना बेटी के साथ हुआ है, तो आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से कितना सुरक्षा मिली और क्या प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कौन लोग आए हैं? अभी तक किसी ने भी ये सुध नहीं ली कि मतलब पीड़िता कैसी है क्या है, प्रशासन तो कोई पूछने भी नहीं आया है अभी तक कि मतलब ये कैसी है, अगर इस पे उस दिन चोट लगी हुई है और शाम को ही अगर प्रशासन वो जागरूक हो जाती है और मुजरिम को ढूंढने जाती तो उसी दिन पकड़ा जाता। 4 दिन हो गए आज तक पता नहीं चला उसका कि वो कौन है और कहाँ का है, गढ़वाल इतना भी बड़ा नहीं है कि पता ना चल सके, अगर ऐसे ही होता रहा तो कहाँ यहाँ माँ बेटियाँ बहन कौन सुरक्षित है, कौन आगे पढ़ेगा? देखिए ये नेहा बिटिया के साथ जो जब 3 दिन पहले घटना हुई है, मैं समझता हूँ इसमें सरकार की पूरी तरह से उदासीनता है। अभी तक जिस तरीके से परिवार से पता चला, उनके पिताजी से, उनकी माताजी और बहन बता रही है कि अभी तक किसी भी तरह से प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ये बहुत ही चिंतनीय और शोचनीय विषय है। ये इस तरीके की बेहूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर अगले 2 दिन के अंदर अंदर प्रशासन ने इस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं करी, और अभी जहां तक मुझे पता चला है कि सुशील कुमार, मैंने एसडीएम साहब से खुद बात करी थी, उन्होंने कहा कि ये रेगुलर पुलिस को मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके बाद मैंने सतपुली थाना अध्यक्ष त्रिभुवन रौतेला जी से बात करी, उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास डीएम साहब से ऑर्डर नहीं आए हैं, हो सकता है प्रशासनिक चीजों में लेट होता हो, पोस्ट से आता हो, लेकिन उनके पास अगर ये ऑर्डर आता और उसके अगले 2 दिनों तक वो मुजरिम नहीं पकड़ा जाता तो ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगा। और इस तरीके की हमारे यहाँ पर पहाड़ों में तो माताएं बहनें जंगलों में घास लेने, लकड़ी लेने सब जगह अकेली जाती हैं। एक बिटिया अगर अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में एडमिशन के या किसी भी और कार्य के लिए जा रही है और अकेले जा रही है तो इस तरीके से उसके साथ बदतमीजी होगी, और बदतमीजी अगर उसके साथ जिस मुजरिम ने करी है उसको 3 दिन तक प्रशासन क्या सोया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए उसने कोई भी प्रयास नहीं करा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से ये बात कहना चाहूंगा कि अगर इसमें पुलिस प्रशासन ने और तहसील प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई नहीं करी और जो भी मुजरिम है, ये काम प्रशासन का है ढूंढना, उस बिटिया को चोट लगी है उस वो अगर नहीं पहचान पा रही है तो इसीलिए यहाँ पर पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम और पुलिस प्रशासन है कि वो उनको ढूंढे, पकड़े और ताकि सबक मिले, आगे से किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी हिम्मत ना हो कि वो हमारी किसी माता बहन के साथ इस तरीके से दुराचार कर पाए। प्रशासन की तरफ से तो मुझे आश्वासन ये मिला है कि ये अभी मुझे एसएसपी महोदय का फोन आया सुबह पौड़ी से कि हम मतलब आपका केस हमने सतपुली ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन अभी तक हमें मतलब इस चीज़ की कोई सूचना नहीं मिली यहाँ घर पे, मुझे खाली वहाँ कूड़दार में बताया गया फ़ोन से, वो भी मेरे ख्याल से किसी ने दिल्ली से उनके लिए फ़ोन किया है तब उन्होंने फ़ोन किया है, और प्रसाद विधायक महोदय ने भी थोड़ा मेरे से वो किया और उन्होंने कहा कि आपको जो भी आर्थिक सहायता मिलेगी मिलेगी, मैंने कहा मुझे आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, मुझे बेटी के साथ इंसाफ चाहिए ताकि और बेटियों के साथ ऐसा गंदा काम ना हो। पॉलिसी यूके लाइव के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून
सच दिखाने का।